वालेकुम जी मैं हूँ वकास हुसैन और आप देख रहे हैं यूके वीज़ा न्यूज़ एंड इमिग्रेशन वेलकम टू एवरीवन तो आज की वीडियो अच्छी स्टूडेंट के वाले से और वर्क वीज़ा वालों के वाले से डिपेंडेंट वीज़ा जो फैमिली साथ लेके आ रहे हैं उनके वाले से उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी वीडियो आपने एंड तक देखनी है और इस चैनल को आपने ज़रूर सपोर्ट करनी है अपनी फीडबैक ज़रूर छोड़नी है और वीडियो लाइक करनी है शेयर ज़रूर करनी है आगे ये बहुत ही इन्फॉर्मेटेड वीडियो है आप सब बहन भाइयों के लिए जो लोग यूके में आना चाह रहे हैं आने वाले दिनों में आप यूके आ रहे हैं तो आपको कौन सी ऐसी चीज़ें पॉइंट्स हैं जो आपको नहीं पता वो आपको अभी इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेशन है इसमें आपके लिए तो आपने वीडियो एंड तक देखनी है और चैनल को सपोर्ट करना है सब्सक्राइब करना है मेरे यूट्यूब पे विज़िट करना है वहाँ पे भी वीडियोस लगी हुई हैं और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ ऐसे लिंक देने जा रहा हूँ जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं तो चलते हैं जनाब वीडियो की तरफ यूके के वीज़ा को लेके लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं खासकर स्टूडेंट जो हैं और वर्क वीज़ा जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है मतलब के तमाम के तमाम जो हैं वो काज लेटर जो है वो उनके रुके हुए हैं तो इसकी बुनियाद के ऊपर बहुत ज़्यादा लोग जो है वो सवाल करते हैं जी हमारा कॉस्ट जो है हमने अप्लाई किया हुआ है और अभी तक हमें जो है वो रिसीव नहीं हुआ तो ऐसा क्या रीज़न है कि जो हमें कास्ट लेटर नहीं मिल रहे कास्ट लेटर क्या बंद हो चुके हैं और आने वाले वक़्त में क्या इस चीज़ का सलूशन जो है वो निकलेगा या फिर डिले होना शुरू हो रहे हैं फिर दोबारा से तो सबसे पहले जी बात कर रहा हूँ मैं जो वर्क वीज़ा है वो किस बुनियाद के लिए अगर बुनियाद के ऊपर जो है रुका हुआ है तो इसके पीछे जनाब बहुत बड़ी वजह है तो इसका पहला रीज़न जो है वो ये है कि जो लास्ट ईयर जो गुज़रा है उसमें क्रिसमस के टाइम जो वर्क परमिट की बात कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा लोग यूके के अंदर आए हैं और यूके के होम ऑफिस के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड पड़ चुका है तो जिन लोगों ने वर्क परमिट अप्लाई किया हुआ था और बहुत ज़्यादा अप्लीकेशन डाली गई हैं क्योंकि रूल्स चेंज होने की वजह से काफ़ी लोगों ने जो है ना एप्लीकेशन डाली हैं तो ये बहुत बड़ा रीज़न है यूके की होम ऑफिस इतनी ज़्यादा बिज़ी हो गई है कि एप्लीकेशन जो है आप सब की डिले होना शुरू हो गई हैं और इसके अलावा फैमिली वीज़े भी बंद होना शुरू हो गया है कि आप डिपेंडेंट जो है वो साथ लेके नहीं यूके में आ सकेंगे तो ये चीज़ जो है ना फैमिली को आप नहीं लेके आ सकते डिपेंडेंट जो आपके हैं तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों ने एप्लीकेशन डाल दी है के वीज़े तो बंद होने जा रहे हैं डिपेंडेंट के तो अभी तो जो टाइम है तो हम अभी अप्लाई करते हैं तो इसके लिए इसका जो रीज़न है ये है कि एप्लीकेशन जो होती है जैसा कि मैं डाल रहा डालूँ आप डाल रहे हैं आपका कोई जानने वाला है और काफ़ी मतलब इस तरह कि बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन जो है वो जमा हो गई थी यू के वो मुफिस के ऊपर तो यू के वो मुफिस इतना ज़्यादा बिज़ी हो गया है इतना ज़्यादा कि इतने इनके पास स्टाफ नहीं है जितनी एप्लीकेशन इनके पास जमा होगी है तो स्टूडेंट की बात की जाए तो स्टूडेंट का जो जनरल इनटेक था इसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो है उन्होंने अप्लाई किया हुआ था और कुछ लोगों को वीज़े मिले हैं स्टूडेंट हैं जो और कुछ के जो है वो स्टिल अभी भी पेंडिंग में हैं मेरे काफ़ी यूट्यूब के सब्सक्राइबर हैं जिनके अभी तक पेंडिंग में है और काफ़ी ज़्यादा जो है जिनको मतलब है कि वीज़ा रिसीव हो चुके हैं तो सबसे बड़ी वजह ये भी है कि जो यूके में के होम वीज़ा के बारे में आपको बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा स्कैम भी हुआ है यूके के अंदर के होम वीज़ा के ऊपर तो यूके के अंदर जनाब जो के होम वीज़ा के ऊपर आए हैं लोग ठीक है तो उनके साथ जो स्कैम हुआ है जो लोग ऑलरेडी यूके में आ चुके हैं फैमिली को साथ लेके आए हैं तो उनको यहाँ पर आके जॉब नहीं मिली ठीक है तो जॉब नहीं मिली और वो खजल हो रहे हैं कभी इधर कभी उधर और उनको अभी जो है काम नहीं मिल रहा है तो यूके की गवर्नमेंट ने ये सोचा है ये फैसला लिया है कि हम पहले इनको बैलेंस करें जिन लोगों को मतलब जॉब नहीं मिल रही और स्कैम हुआ है उनके साथ वो यूके के अंदर आ गए हैं और कुछ के रूम ऐसे हैं जो बंद हो गए हैं आपको के रूम का वीज़ा मिला है उस कंपनी का तो वो कंपनी आप जो है बंद हो गई है यूके के अंदर तो आप यूके में भी आ गए हैं तो अब यह है कि आपको काम जो है वो नहीं मिल रहा तो ये है कि अभी इनका जो ऑलरेडी यूके के अंदर आ गए हैं कंपनियां बंद हो गई हैं तो अभी इनको बैलेंस कर रहे हैं तो जैसे ये बैलेंस करते हैं तो फिर आपके वीज़े भी लगान देना शुरू कर देंगे तो मल्टीपल ये जो है ना वजूहत थी वीज़ा डिले होने का जो यूके के होम ऑफिस के ऊपर लोड पड़ा हुआ है तो जो स्टूडेंट वीज़ा है और उसके अलावा वर्क परमिट वीज़ा था और केयर होम का वीज़ा था जो इनके वीज़ा के ऊपर जो है वो प्रोसेसिंग नहीं कर रहे थे वो रीज़न जो था वो भी मैंने आपको बताया है तो अभी जो न्यूज़ आ रही है अभी ये आ रही है कि जो स्टूडेंट थे जिनको वीज़ा मिला है वो दैट्स रियली गुड और जिनके पेंडिंग में थे अभी उनको भी वीज़ा मिलना शुरू हो गए हैं कॉज लेटर जो है उनको मिल ले, मिल रहे हैं और उसके अलावा यूके में स्टूडेंट्स आना शुरू हो गए हैं जिनके पेंडिंग में थे तो उसके अलावा जो वर्क परमिट वाले हैं उनका ये था जो डिपेंडेंट आपको साथ लेके आना पड़ता है आप अपनी वाइफ या हस्बैंड या बच्चे आप साथ लेके आ रहे हैं यूके के अंदर तो वो अभी चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं यूके की जो होम ऑफिस है इमिग्रेशन वाले हैं जो कंपनियां बंद हो गई हैं और उनका तो मतलब आना ख़त्म हो गया उनका वीज़ा वगैरह उनको नहीं मिला और जो कंपनियां अच्छी हैं वर्क कर रही हैं एक्टिव हैं उनका जो है उनके थ्रू जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है उनको वीज़े मिलना शुरू हो गया उनको कॉज लेटर देना शुरू कर दिया है यूके होम ऑफिस ने तो इस हवाले से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपने परेशानी होना काफ़ी ज़्यादा बहन भाइयों के वीज़े अप्रूवड हो रहे हैं और जो आपका कंसल्टेंट है आप उनसे रबते में रहें आप और और जिन लोगों ने अप्लाई करना है और आप उनसे कॉन्टैक्ट करके इस कंसल्टेंट को अच्छा सा देखें जो आपका वकील है सोलिसिटर जिसको कहते हैं आप उनके थ्रू वीज़ा अप्लाई करें और जो अच्छा होगा उसके थ्रू आपने करना है ये नहीं कि यार जो भी बंदा होगा तो बोलेगा आपको कि हम यूके भेज देंगे आपको तो ऐसा आपने नहीं करना आपने अपनी तसल्ली जो है वो ज़रूर करनी है कि कहीं आपके साथ धोखा फ्रॉड ना हो तो इसके बाद जो लोग यू के आ रहे हैं और आप ख़ुद भी चेक कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी है जो जनवन है फेक नहीं है और उनके पास लाइसेंस है यू के वो से लाइसेंस लिया हुआ है और उसके बाद जो रिक्वायरमेंट होती है वो सारी उसके पास है भी है या नहीं है कहीं फिर आपके साथ मतलब है कि फ्रॉड धोखा तो नहीं होने वाला तो वो कैसे आपने चेक करना है वो मैं इन अलग से एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें सारी कंपनियों के जो वेबसाइट होती है लिंक होते हैं जो वो मैं आपको शेयर ज़रूर करूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर और आपको बताऊँगा भी और दिखाऊँगा भी स्क्रीन के ऊपर कि आपने कैसे खुद भी चेक करना है आप खुद भी चेक कर सकते हैं तो अगर अब भी आपने किसी कंपनी के थ्रू अप्लाई किया हुआ है तो आपने चेक करवाना है चेक करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं आप हमें बताएंगे कि आपने किस कंपनी में जो है ना अप्लाई किया हुआ है उसकी डिटेल चाहिए होगी तो हम जो है आपको चेक करके जो है मैं ख़ुद आपको चेक करके बता सकता हूँ कि वो कंपनी आपके लिए ज़बरदस्त है या वो कंपनी बंद होगी है या बंद होने वाली है और क्या उसके पास जो है यू के एम से लाइसेंस मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ मतलब कि सारी डिटेल आपको चेक करके बता सकता हूँ मैं और यूके की जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं वहाँ पे भी मौजूद है तो अभी मैं आपको बताने लगाऊँ कि जो लोग इंग्लैंड यूके के अंदर आ रहे हैं आने वाले दिनों में जो अभी भी आ रहे हैं अगर आप वीडियो देख रहे हैं यूके के अंदर आपने आना है पाकिस्तान से है इंडिया से है बंगलादेश से है या किसी भी और कंट्री से है आउट ऑफ यूके से मैं कह रहा हूँ कि अगर आप यूके के अंदर आ रहे हैं इफ़ यू कम इन इन द यूके फ्यूचर और नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट वीक तो इस हवाले से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ तो उनको जो आपका ख़र्चा है जो स्पेंडिंग मनी है कम अज कम जो है ना टू से थ्री मंथ की जो आपका एक्सपेंस होगा वो आपने साथ लेके ज़रूर आना है आपने ये नहीं सोचना कि आप जैसे यूके आएंगे तो काम पे चले जाएंगे ऐसा मत सोचना आपने टू से थ्री मंथ की आपकी जो स्पेंडिंग मनी है आपका जो अकोमोडेशन लेटर होता है जो आपका रहना सहना जो है वो आपको जेब से रेंट देना पड़ेगा उसके बाद खाने पीने की चीज़ें हैं तो ये नहीं कि यहाँ पर चीप है यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है ये बात आपने याद रखनी है जितने भी बहन भाई यूके में आ रहे हैं आपने एक्सपेंडिंग आपनी जो स्पेंड करनी है मनी वो टू से थ्री मंथ जो है ना आपके पास होनी चाहिए जहाँ पे आप जब आके यूके में रेंट पे करेंगे और खाने पीने की चीज़ें शॉपिंग वगैरह करनी पड़ेगी आपको तो बहुत ज़्यादा जो है ना एजेंट जो पाकिस्तान में है मैं सब नहीं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा का कह रहा हूँ कि वो आपको बहुत ज़्यादा ड्रीम दिखाते हैं जी आप यूके जाएंगे दूसरे दिन आप काम पे लग जाएंगे तो ऐसा इम्पॉसिबल है ऐसा नहीं होगा मैं इसलिए बार बार आपको ये चीज़ कंफर्म कर रहा हूँ जितने भी बहन भाई हैं उनको पता होना चाहिए कि आपके पास पैसे होने चाहिए जब आप यूके में आएंगे आप स्पेंडिंग करेंगे मनी खाने पीने की चीज़ें हैं उसके अलावा ट्रांसपोर्ट के लिए भी उसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो आपको ख़रीदनी पड़ती हैं तो वो आपने अपनी जेब से ख़रीदनी है तो ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ मेक श्योर करना चाहता हूँ कि आपके पास स्पेंडिंग मनी जो है वो टू से थ्री मंथ के लिए होनी चाहिए तो यहाँ पे ये यह होता है कि आपको पहले बी कार्ड जो है वो चाहिए होता है उसके बाद आपके जो आप फैमिली व आ रही है तो आपके बच्चों के लिए स्कूल का सिस्टम जो है वो आपने करना होता है स्लोली स्टेप बाय स्टेप जो है वो सारी चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट के मुताबिक करनी पड़ेंगी तो वो मैं कोशिश करूँगा कि अलग से इस बारे में वीडियो बनाऊँ कि आपने यूके में आना है बीआरपी लेना है उसके बाद आप अगर फैमिली आ रही है तो आप अपने बच्चों के लिए स्कूल के बारे में उसके बाद और बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो आपके काम की हैं तो इसमें ये है कि बैंक अकाउंट भी आपको चाहिए होता है जब आप जॉब अप्लाई करते हैं जॉब अप्लाई करने से पहले आपको बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा बैंक अकाउंट बनेगा उसके बाद आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं जो मर्ज़ी जॉब आपने अप्लाई करनी है आपके पास बैंक अकाउंट जो है वो मस्ट है और उसके बाद और भी कुछ चीज़ें हैं जो नेशनल इंश्योरेंस नंबर होता है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नेशनल इंश्योरेंस नंबर के ऊपर आपको जॉब मिलेगी अगर वो आपका होगा तो बैंक अकाउंट का ये है कि आपको जब आपकी सैलरी होगी वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में आएगी टैक्स वगैरह काट कर तो ये चीज़ें हैं ना ये आपको आपका एड्रेस वगैरह भी लगता है बैंक अकाउंट में और उसके अलावा कोई भी आपका जो काम है एड्रेस होम एड्रेस जो है वो साथ ज़रूरी लगता है अकोमडेशन लेटर जो होता है वो आप जब आएंगे तो आपको पता चलेगा स्लोली सारी चीज़ों का एकदम ये नहीं आपने सोचना कि आप यूके में आए हैं तो आपको सब कुछ पता चल गया है ऐसा नहीं है मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ ये उनके लिए मैं बता रहा हूँ जो नए लोग आ रहे हैं यूके में ठीक है फर्स्ट टाइम जो यूके के अंदर आ रहे हैं इफ़ यू कम इन फर्स्ट टाइम तो आपके लिए जो है ना ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं तो आपको पता होनी चाहिए कि आप यूके में जाएंगे आप बीआरपी कार्ड जो है वो अप्लाई करना है बैंक अकाउंट बनाना है नेशनल इंश्योरेंस अप्लाई करना है तो ये चीज़ें अप्लाई करनी है ये चीज़ें टू से थ्री वीक और इससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है आपको यू के अंदर जब आप चीज़ें अप्लाई करते हैं तो उसके बाद जाके आपकी जॉब जो है वो आप अप्लाई करने के काबिल होते हैं तो जॉब जब आप अप्लाई करते हैं तो उसमें भी टाइम लगता है तो मैं इसलिए ये साथ पहले आपको बताया था कि टू से थ्री मंथ जो है ना आपने पैसे साथ लेके आने हैं जो आपकी स्पेंडिंग मनी होगी तो कम से कम जो है ना टू मंथ आपको लगते हैं जॉब हासिल करने में ठीक है तो जो आपके साथ डिपेंडेंट हैं वो भी काम करेंगे तो उनके लिए भी टाइम जो है वो लगेगा ये नहीं है कि स्ट्रेट पे आके आपने काम कर लेना है ऐसा नहीं है यूके के अंदर तो टू मंथ आपने अपने जहन में रखना है कि टू मंथ में आपने अपनी चीज़ें जो डॉक्यूमेंट्स हासिल करने हैं यूके में आके तो वो इतने टाइम में हासिल होंगे उसके बाद आप अपनी जॉब अप्लाई कर सकते हैं और आपका जो रिमांडर्ड है वो भी जॉब कर सकते हैं तो ये थी जनाब आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी सब बहन भाइयों को तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है वीडियो लाइक करनी है और वीडियो पे कमेंट करके बताना है अगर आप यूके आ रहे हैं किस वीज़ा के ऊपर आ रहे हैं और अगर आपने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है तो आपने कौन सा वीज़ा अप्लाई किया हुआ है और इसके अलावा बाकी की सारी डिटेल जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ और एक दो और न्यूज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा लेकिन ये व्लाग लंबा हो रहा है नेक्स्ट व्लाग में मैं आपके साथ जरूर शेयर करने जा रहा हूँ